नमस्कार, मेरा नाम श्रुति शर्मा है और आप देख रहे हैं कुक विद श्रुति। आज मैं आपको शाही लॉलीपॉप बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आइए जानें इसकी सामग्री। ये आलू है जिसे मैंने उबाल लिया है, ये ढाई आलू है, 2½ मैं ले लूँगी। और ये 15 बादाम है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है, एक कटोरी पिस्ता जिसे मैंने पीस लिया है, 15 काजू जिसे मैंने पीस लिया है, और पिस्ता कम से कम 25 से 30 दाने हैं। और ये किशमिश, अगर आपको किशमिश पसंद नहीं है तो आप किशमिश नहीं भी डाल सकती हैं। ये महीन कटा पनीर, 8-10 केसर के दाने दूध में मैंने भिगो लिए हैं। ये है काली मिर्च, एक हरी मिर्च मैंने काटी है, अदरक जिसे मैंने घस लिया है, सादा नमक और ये काला नमक। मैं हर नमकीन खाने में सेंधा नमक यूज करती हूँ। अगर आपको टाटा नमक डालना हो तो आप टाटा नमक डाल सकते हैं। ये गरम मसाला, चाट मसाला, इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर है ये, और ये कसूरी मेथी जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके उसको क्रश करके मैंने रखा है, क्योंकि ये अलग ही फ्लेवर देता है। और ये कॉर्नफ्लोर है, और ये एक कटोरी सूजी। ये शाही लॉलीपॉप है तो इसमें मैं मैदा है, ये मैं मैदा पानी से नहीं घोलूँगी, इसे मैं दूध से घोलूँगी, क्योंकि ये शाही है तो मैं इसे पानी इसमें नहीं मिलाऊंगी। और ये आइसक्रीम स्टिक है मैं लॉलीपॉप का लुक देने के लिए। तो आइए बनाते हैं शाही लॉलीपॉप। सबसे पहले मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए मैंने आलू कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें मैं सब सामग्री ऐड करूँगी। ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, छोटी चार चम्मच अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। सूजी एक कटोरी पिसा काजू, किशमिश को मुझे पीसना नहीं है, बीच में खड़ी खड़ी जो आती है उसका अलग ही स्वाद होता है। ये बादाम का पाउडर, बादाम, पिस्ता और काजू मैंने सूखा ही पीसा है, मैंने इसे भिगो के नहीं पीसा है। और ये पिस्ता पाउडर, अब इसमें मसाले डालती हूँ, चाट मसाला, गरम मसाला छोटी 1.5 स्पून, चाट मसाला भी लगभग उतना ही, नमक स्वाद अनुसार, मैंने इसमें हरा धनिया ऐड नहीं किया है क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट अलग ही रहता है। अगर आप धनिया ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इलायची पाउडर 1 छोटी चम्मच, हरी मिर्च और मैं आधा अदरक डाल देती हूँ, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कटा पनीर और ये 8-10 दाने केसर के जो मैंने दूध में भिगोए थे, मैं ये डाल के अगर ये घोल आपको मिलाने में गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी ऐड मत करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सूजी डाली है, सूजी थोड़ी ड्राई हो जाती है। अगर ये घोल वैसे बन तो सही से जाता है लेकिन फिर भी आपको ड्राई लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ही डालिएगा, पानी मत डालिएगा। अब मैं इसे मैश कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस मिश्रण को मिला लिया है, ये शाही लॉलीपॉप का डो तैयार हो गया है। अब मैं दोनों हाथों पे तेल लगा लेती हूँ और इसके लॉलीपॉप बना लेती हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार है, आप जितना बड़ा लॉलीपॉप बनाना चाहें आप उतना बड़ा बना सकती हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ।
ये देखिए मुझे ऐसे शाही लॉलीपॉप बना के रखने हैं। अब मैं इसे बना के रखती हूँ। मैंने शाही लॉलीपॉप बना के रख लिए हैं। अब मैं इसमें ये जो मैदा थी इसमें मैंने दूध से घोला है और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाला है। ये घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, वरना ये लॉलीपॉप अच्छे से नहीं बनेंगे। अब मैं इसे इसमें डीप करके, ये ब्रेड क्रम्स है, ये मैंने 4 ब्रेड को मिक्सर में पीस लिया है और ये इसका पाउडर बना लिया है। इसमें डीप करने के बाद मैं इसे कोटिंग करूँगी। आइए ये देखिए मैंने शाही लॉलीपॉप बना के तैयार कर लिया है। ये मैंने तेल तेज आंच पे गरम कर लिया। ये मैं मूंगफली का तेल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। ये तेल अब गरम हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके ये शाही लॉलीपॉप डाल देती हूँ। ये देखिए शाही लॉलीपॉप अभी पक गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इन्हें निकाल लेती हूँ। ये शाही लॉलीपॉप है इसलिए ये बादाम पाउडर है, ये 6 बादाम पाउडर जिसे मैंने पीस लिया था। मैं इसे इसमें ऐसे मैंने कोटिंग की है, वो अभी गर्म है, इसमें ठंडा करके दिखाती हूँ मैंने कैसे की है। अगर ज़्यादा लग जाए तो आप इसे हल्का सा ऐसे झाड़ दें, क्योंकि अलग ही ये खाने में शाही स्वाद देगा। इसे ऐसे आपको लगाना है। आप चाहें तो काजू की भी कोटिंग लगा सकती हैं और आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकती हैं। ये अभी स्टिक बहुत गर्म है तो इसे मैं अभी रुक के लगाऊंगी। ये देखिए मैंने शाही लॉलीपॉप को हल्का सा डेकोरेट कर दिया है। ये मैंने स्टिक पे इसके, क्योंकि थोड़ी ब्राउन टाइप में हो गई है तो मैंने सिल्वर फॉइल लगाई है। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाया है। ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ऐसे राउंड करके अब मैं इसे ऐसे लगा दूंगी। ये देखने से इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई और तरीके से भी डेकोरेट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। अब मैं इसे ऐसे यहाँ पे इसे लगा दूंगी, क्योंकि ये शाही लॉलीपॉप है तो इसमें मैंने मेवे का ज़्यादा यूज किया है। आप अपनी इच्छा अनुसार भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये तैयार है शाही लॉलीपॉप। खाइए और खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।